हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, ITI का फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को रिलीज कर चुका है। ठीक ना, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि कैसे आप लोगों को रिलीज जो किया है उसको कैसे देखना है, कैसे ID डालना है, कैसे पासवर्ड डालना है। अगर ID पासवर्ड मांग अगर ID पासवर्ड गलत हो जा रहा है तो फिर क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा, सो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले सर्च कीजिएगा यहाँ पे BCCB, सर्च कीजिएगा BCCB। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो फिर हम लोग अंदर में एंट्री करेंगे। अंदर में एंट्री करेंगे तो फिर हम लोगों को, देखिए, हम लोगों को फर्स्ट डे में मिलेगा इस तरह का। देखिए, आ जाएगा यहाँ पे इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। तो फिर यहीं पे आप लोगों को दिख जाएगा डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ ITI 2020 फर्स्ट राउंड। इस पर आराम से क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक हम लोगों को नया नया इंटरफेस देखने को मिलेगा हम लोगों को। इस तरह को देखने के मिलेगा इंटरफेस। आराम से फिर नीचे कीजिएगा, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, नीचे 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 जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर ITI 2020 फर्स्ट राउंड। तो आराम से इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये वाला जो कैंडिडेट्स लॉगिन है इस पर आना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या, सबसे पहला स्ट्रीम चेंज चूज करना है अपना। देखिए यहाँ पे ID में अपना रोल नंबर डालिएगा, और उस समय जिस समय आप काउंसलिंग कर रहे तो उसमें पासवर्ड डाले होंगे, तो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, और ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा। और मान लेते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को यहाँ पे देखिए अपना स्ट्रीम चेंज करना है और रोल नंबर डालना। और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। और अगर फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा ना, तो फिर वहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डाले थे वो मोबाइल नंबर मांगेगा, और वो मोबाइल नंबर पे पहले आपको नया OTP से वेरीफाई करेगा और फिर आपका नया पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से सेलेक्ट स्ट्रीम चूज करते हैं, इधर ITI, यहाँ पे देखिए ITI एडमिशन काउंसलिंग, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड डालिए। देखिए, सारा चीज़ डालने के बाद पहले हम लोगों को कहाँ पे क्लिक करना, साइन इन पे। ID पासवर्ड जिसको याद होगा डाल के अपना साइन इन पे क्लिक कीजिए। और जैसे ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए अगर दूसरा मोबाइल में खोल रहे होंगे तो आपको पहले OTP से एक बार वेरीफाई करवाएगा। तो आराम से देखिए, हमको ये दूसरे कोई कैंडिडेट का है तो यहाँ पे हमसे OTP मांग रहा है, तो आराम से OTP हम यहाँ डालेंगे। और OTP डालेंगे ना तो यहाँ पे ध्यान रखिए ना, हम लोग को ये करेगा, आप बोलेगा ना कि अब आप नया पासवर्ड पहले बनाइए, तब हम वहाँ पे खोजेंगे, तब हम वहाँ पे खुलेंगे। तो सबसे पहले अभी हमको यहाँ से क्या करना होगा, एक नया पासवर्ड बनाना होगा, नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, तब वहाँ पे फिर से लॉग इन करके तब वहाँ पे घुसना होगा। देखिए, प्रोसेस फुल प्रोसेस बता देते। और किसी किसी का क्या होगा ना कि डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा तो फिर ओपन कर लीजिए। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे पासवर्ड सभी वेरीफाई करते हैं, इसके बाद फिर देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग OTP डालें, OTP डालने के बाद हम लोग यहाँ वेरीफाई OTP करेंगे। और जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को नया जो इंटर लॉगिन पासवर्ड है वो डालना है, मतलब कि लॉगिन करते वक्त जो पासवर्ड डाले थे वो वाला डालना है। न्यू पासवर्ड अब यहाँ पे बनाने के लिए करेगा, तो जो लॉगिन करते वक्त पासवर्ड डाले थे यानी जो पहले वाला पासवर्ड बनाए थे वो वाला डालिए, और फिर इस दोनों में पहले नया पासवर्ड बनाइए और इसके बाद फिर से लॉगिन कीजिए, तब फिर ओपन होगा, ठीक ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड बनाते वक्त एक बड़ा लेटर और फिर छोटा, एक बड़ा लेटर, कुछ नाम, फिर ऐट द रेट या और कुछ, और फिर डिजिट 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ डालिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बना दिए, अब यहाँ पे सबमिट करते हैं। और जैसे ही सबमिट किए तो देखिए, योर पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ से देखिए, फिर से लॉगिन कीजिए, अब फिर से चूज कीजिए यहाँ पे ITI एडमिशन काउंसलिंग, अभी रोल नंबर और जो नयका पासवर्ड आप बनाए थे वो नयका पासवर्ड अभी डालिएगा। अब देखिए, यहाँ पे डालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए अब सीधे खुल गया यहाँ पे, देखें। तो अगर जिसका मतलब डायरेक्ट खुल जाएगा उनका डायरेक्ट यहाँ इंटरफेस ले आएगा, और अगर नहीं खुलेगा तो एक बार पासवर्ड चेंज करवाएगा, फिर बोलेगा आप नया पासवर्ड बनाइए, और जो पासवर्ड भूल गए हैं उन लोगों को फॉरगेट कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आ चुका है, ये कोई कैंडिडेट का है, तो हम लोगों को देखना है कि अलॉटमेंट लेटर आया कि नहीं आया मेरा। तो चॉइस फिलिंग वाला काम तो हो गया था, चॉइस फिलिंग वाला ये सब काम तो हम लोग कर लिए थे। अब फिर तो हम लोगों को यहाँ से चेक करना है अलॉटमेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में देखिए
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ मिला है इसको या नहीं मिला। तो देखिए इसको अलॉट हो चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है। फर्स्ट राउंड में ये अलॉटमेंट हो गया, चॉइस नंबर यानी तीसरा नंबर पे जो चॉइस किया हुआ था हो गया। आईटीआई एरिया क्या है, भोजपुर है। देखिए सीट अलॉटमेंट बीसी कैटेगरी के थ्रू इसको मिला, और कौन सा ब्रांच मिला, मैकेनिकल डीजल इंजीनियरिंग मिला इसको, ठीक ना, मैकेनिकल डीजल इंजीनियरिंग मिला है। तो आप लोग भी ऐसे ही देख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हाँ आपका सीट यहाँ पे अलॉट हो गया। अब इसके बाद है आपका कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, और एक अगर अलॉटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करके, अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते यानी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अगर ऑटो अपग्रेड पर करना चाहते हैं तो ऑटो अपग्रेड पर कीजिएगा ना, तो देखिए फिर से आपको बोलेगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, ऑटो अपग्रेडेशन फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द फर्दर राउंड राउटम सीट फर्दर राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो ध्यान रखिए अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला है वो आपका क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, यानी उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गया तो फिर अच्छा है, नहीं तो फर्स्ट वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑटो सेलेक्ट अपग्रेड टाइप, अगर सेकेंड के लिए आप जाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए कि हाँ हम सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं देगा आपको। और अगर नहीं जाना चाहते तो आराम से पहले नो पर क्लिक कर लीजिए, और नो पर क्लिक करके फिर क्या कर लीजिए, डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर पर क्लिक करके फिर देखिए डाउनलोड वहाँ पर नो कीजिएगा ना, तभी यहाँ पे ये डाउनलोड होगा। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि पहले आपसे बोल रहा है कि आप ऑप्टो अपग्रेडेशन यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं। तो नो पहले अगर करके, नो करके और डाउनलोड कर लीजिए। अगर सेकेंड में भाग लेना चाहते हैं तो यस करके फिर वेट कीजिए अब सेकेंड का, ठीक ना। तो अब यहाँ से ओके करेंगे तो फिर ये डाउनलोड नहीं होगा। तो यही था आप लोगों को सारा चीज़ जितना रिलेटेड था सब आप लोगों को बता दिए। तो यहाँ से अभी हमको इसको डाउनलोड नहीं करना, आप लोग अपने अनुसार सोचिएगा। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, आराम से यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारा डाउट खत्म हो चुका होगा, सब परेशानी दूर हो चुका होगा। ठीक, थैंक यू, बाय।